रविंदर रैना जी, जो पांच मनोनीत सदस्य होने उस पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर बताइए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है, मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है पांच मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जब वो बिल पेश किया गया था, उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो पांच नॉमिनेटेड एमएलए हैं उनका चयन होगा, उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाजाबता डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि ये जो पांच मनोनीत सदस्य होंगे, आपको एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल में आपको बहुत कम सीटें नॉमिनेट करेगा, ये सही प्रक्रिया नहीं है, ये विपक्ष देखिए, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में पांच नॉमिनेटेड एमएलए हैं? वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को पांच नॉमिनेटेड एमएलए याद आ रहे हैं? तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें अपने दम पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कश्मीर घाटी से और जम्मू संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 के करीब करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो जीतेंगे, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है चुनावों में। हमारे कुछ मित्र दल हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भी जम्मू कश्मीर में उनके विधायक भी चुने जाएंगे। और फिर मित्र दल कौन है आपके, मित्र दल कौन? बस चंद घंटों का इंतजार करिए, चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इंजीनियर रशीद से गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, गिनती शुरू हो रही है। विकल्प खुला है, विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से।